हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू कमाल के वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को 7th एनिवर्सरी की काफी सारी कंफर्म लीक्स और अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों OB44 अपडेट से रिलेटेड काफी सारे न्यू वेपन्स और काफी सारे आइटम्स के रिव्यू भी इस वीडियो पे तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और भी काफी सारे कमाल के अपकमिंग अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में तुम लोगों को पता चलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। इन फ्यूचर और ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, OB44 अपडेट आए हुए अभी एक महीना भी नहीं गुजरा है और OB45 अपडेट की इतनी सारी लीक्स निकल के आ चुकी है जिन्हें देखने के बाद ना तुम लोगों का दिल एकदम खुशी से बाग बाग होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं OB45 अपडेट से रिलेटेड कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट गन स्किन्स के बारे में। तो गैना फीफा जब भी किसी OB के अपडेट को लाती है, उससे पहले गैना फीफा एक सर्वे को फिल करवाती है और उस सर्वे के अंदर काफी सारे गन्स के डिजाइन यहाँ पे गैना फीफा शो करती है, जिनको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वोट करना होता है। और वोटिंग के दौरान ही दोस्तों अगर कोई गन स्किन सबसे ज्यादा वोट पाती है तो भाई हमारी ऑडियंस के लिए वो गन स्किन आने वाले टाइम पे या फिर आने वाले OB के अपडेट पे डाली जाती है। तो दोस्तों OB45 अपडेट से पहले आप लोगों के लिए गेम के अंदर एक सर्वे देखने को मिल जाएगा, जिस सर्वे के ऊपर आप लोगों को ये सभी गन स्किन्स के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। ये सभी गन स्किन्स होने वाली है ईवो गन के रूप में। दोस्तों इन डिजाइन में से ही कोई एक डिजाइन को चूज करके गैना फीफा 7th एनिवर्सरी के ऊपर एक ईवो गन को लॉन्च करने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ईवो M10 भी देखने को मिलेगा, साथ ही में ओम का स्किन मिलेगा, साथ ही में AC-80 मिलेगा, साथ ही में आप लोगों को AK-47 मिलेगा और भी काफी सारी कमाल की गन स्किन्स आप लोगों को इस सर्वे के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पे एक से बढ़कर एक गन स्किन होने वाली, जैसे आप लोग देख सकते हैं इस सर्वे के ऊपर मुझे सारे ही डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आए। सीरियसली दोस्तों काफी अच्छे खासे गन्स के डिजाइन यहाँ पे गैना फीफा ने चूज करे हैं और इन गन डिजाइन में से ही कोई एक गन स्किन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और वही गन स्किन आप लोग को 7th एनिवर्सरी के ऊपर नेक्स्ट ईवो गन के रूप में देखने को मिल जाएगी। तो तुम लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से गन का डिजाइन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। अब तुम लोग ये मत सोचना कि भाई सारी की सारी गन स्किन आएंगी, ऐसा नहीं होगा। इनमें से एक गन स्किन आपको ईवो मिलेगी और एक गन स्किन आप लोगों को नॉर्मल मिलेगी। सिर्फ दो ही गन स्किन चूज करी जाती है एक सर्वे के ऊपर से। तो दोस्तों तुम लोग अपने हिसाब से ही एक अच्छे गन डिजाइन को चूज करना, वरना बाद में तुम लोग ये मत कहना कि गैना फीफा ने तुम लोगों को वो गन स्किन नहीं दिया। ये दोस्तों जो भी गन स्किन के डिजाइन को तुम लोग यहाँ पे चूज करोगे वही आप लोगों को 7th एनिवर्सरी के ऊपर नेक्स्ट ईवो गन के रूप में मिलने वाला है। तो कॉमेंट करके बताना तुम लोग को इन गन डिजाइन में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा लगा। और साथ ही में दोस्तों OB45 अपडेट के ऊपर जो आप लोगों को मेगा इवेंट देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 7th एनिवर्सरी का, जिसकी थीम आप लोगों को गैलेक्सी थीम देखने को मिल जाएगी। साथ ही में OB45 अपडेट के ऊपर आप लोगों को कुछ न्यू किल इफेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला किल इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं, काफी OP ये किल इफेक्ट आप लोगों के लिए देखने को मिलने वाला है OB45 अपडेट के ऊपर। इस किल इफेक्ट पे तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर फायरी और फ्लेम का किल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे आप लोग किल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों गन स्विच करने का भी आप लोगों को एक न्यू एनिमेशन देखने को मिल जाएगा OB45 अपडेट के बाद। और दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए सर्वे के अंदर ही आएगा, जिसको आप लोग वोट कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को एक और न्यू इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ये भी काफी अच्छा खासा किल इफेक्ट होने वाला है। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, किल करने के बाद तुरंत आप लोगों के पीछे पंख आने वाले हैं, मतलब गैना फीफा वाले तुम लोगों को सोन परी बनाने के इरादे में ही उतरे हुए हैं। तो भाई आप लोगों को आने वाले OB45 अपडेट के ऊपर ये एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे किल इफेक्ट के रूप में, और भी काफी सारी न्यू चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी OB45 अपडेट के बाद। तो कमेंट करके बताना ये सभी न्यू इफेक्ट्स और एनिमेशंस तुम लोगों को कैसे लगे। मुझे तो भाई ये सोन परी वाला काफी अच्छा लगा, तुम लोग कमेंट करके बताना कौन सा अच्छा लगा और कौन सा बकवास लगा। और साथ ही में OB45 अपडेट के ऊपर आप लोगों को कुछ 7th एनिवर्सरी स्पेशल लॉबी भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप लोग ये वाली लॉबी देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए गैलेक्सी थीम पर बेस होने वाली है। साथ ही में आप लोगों को ये वाली भी न्यू लॉबी देखने को मिल जाएगी OB45 अपडेट के ऊपर, ये भी 7th एनिवर्सरी स्पेशल ही होने वाली है। तो ये भी काफी अच्छी खासी लॉबी गैना फीफा ने डिजाइन करी है। इसके साथ में आप लोगों को एक और न्यू लॉबी देखने को मिलेगी और आई थिंक मेरे हिसाब से ये लॉबी कोलैबोरेशन से रिलेटेड होने वाली है। तो ये तीनों ही लॉबी आप लोगों को OB45 अपडेट के टाइम पे मिल जाएगी 7th एनिवर्सरी स्पेशल। तो कमेंट करके बताना कौन सी लॉबी तुम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई।
और साथ ही में दोस्तों OB45 अपडेट 7th एनिवर्सरी स्पेशल काफी सारे न्यू एनिमेशंस को भी गैना फिफाई ने डिजाइन करा है। और इस सभी एनिमेशंस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ये आप लोगों को मिलेंगे एक पेट के थ्रू। तो गैना फिफा पेट की एक न्यू सीरीज को लाने जा रहा है दोस्तों। इस पेट का काम ये होगा, ये पेट तुम लोगों के लिए किसी स्पेशल एबिलिटी के साथ नहीं आएंगे, बल्कि दोस्तों ये पेट तुम लोगों को ऐसा फील करेंगे कि तुम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो। क्योंकि इन पेट्स को लेने के बाद आप लोग जैसे ही अलग अलग मूवमेंट्स करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर कहीं से जंप करते तो आपको एक स्पेशल इफेक्ट मिलेगा, साथ ही में आप लोग मेडिटेट करते तो आपको एक स्पेशल इफेक्ट मिलेगा, अगर आप लोग कहीं चलते हो तो आपको स्पेशल इफेक्ट मिलेगा। मतलब हर एक स्पेशल मोमेंट पे तुम लोगों को एक स्पेशल इफेक्ट मिलेगा और तुम लोगों को ऐसा फील कराएगा कि तुम लोग बहुत ज्यादा अमीर बंदे हो। तो भाई ये पेट आप लोगों को 7th एनिवर्सरी स्पेशल गेम में देखने को मिल जाएगा। तो भाई कमेंट करके बताना कि तुम लोग इस पेट का कितना बेसब्री से वेट कर रहे हो। और गैना फिफा की बिल्कुल एक न्यू सीरीज का ये भी हिस्सा होने वाली है। और साथ ही में दोस्तों 7th एनिवर्सरी स्पेशल यहाँ पर गैना फिफा एक न्यू ईवो बंडल को भी लाएगा और ये ईवो बंडल आपको गैलेक्सी थीम पर बेस देखने को मिलने वाला है। दोस्तों जितने भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बंडल्स के डिजाइन दिखा रहा हूँ, ये सभी बंडल्स आप लोगों को एक ही सर्वे के ऊपर मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को इन पर भी वोटिंग करनी है। इनमें से भी किसी एक बंडल को चूज करके गैना फिफा 7th एनिवर्सरी स्पेशल तुम लोगों के लिए प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट ईवो बंडल के रूप में। तो भाई बंडल यहाँ पर एक से बढ़कर एक होने वाले, जिन पे आप लोगों को काफी स्पेशल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वाला बंडल भी काफी अच्छा खासा होने वाला है। साथ ही में इसके बाद जो आप लोग बंडल देख रहे हैं इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा गैलेक्सी थीम देखने को मिल रहा है, पर इसका कलर यहाँ पे गैना फिफा ने चेंज किया हुआ है। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को ये बंडल देखने को मिल जाएगा। यार ये बंडल मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। नाम वगैरह मुझे नहीं पता कि इनके क्या होने वाले, वो तो दोस्तों गैना फिफा आगे चल के ही डिसाइड करेगी। ये बंडल सबसे ज्यादा आने के चांस, क्योंकि थोड़ा सा ये रियल भी लग रहा है। साथ ही में लास्ट बंडल आप लोग देख सकते हैं, ये सभी बंडल्स के डिजाइन आप लोगों को सर्वे मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने पसंद के अनुसार ही उस बंडल को वोट करना, जिस बंडल को तुम लोग चाहते हो कि यही बंडल आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईवो बंडल के रूप में आए 7th एनिवर्सरी स्पेशल। और साथ ही में दोस्तों आप लोगों को एक मेगा कोलैब भी देखने को मिलने वाला है 7th एनिवर्सरी के ऊपर ही। तो कौन सा कोलैब होगा उसके बारे में मुझे अभी आईडिया नहीं है, पर अगर गैना फिफा का पिछले 6 साल का इतिहास उठा के देखा जाए तो गैना फिफा ने या तो किसी सिंगर के साथ में कोलैब किया या फिर किसी बैंड वाले के साथ में कोलैब किया है। तो भाई गैना फिफा हो सकता है कि इस बार कुछ हटके करे और आप लोगों को कोई मेगा और बड़ा कोलैब देखने को मिले किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ। धोनी के साथ तो हो ही रहा है, वो दोस्तों इंडिया सर्वर के ऊपर आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगा। और साथ ही में इस बार का जो 7th एनिवर्सरी होगा ना, वो काफी ज्यादा हटके होने वाला है, क्योंकि जो 6th एनिवर्सरी था ना वो उतना अच्छा खासा नहीं मनाया गया था गैना फ्री फायर की तरफ से। और इस बार तुम लोगों को पता है कि भाई फ्री फायर इंडिया बेशक अभी तक मार्केट में ना आया हो, पर दोस्तों बैकयार्ड में फ्री फायर इंडिया का काम जारी है और इस बार 7th एनिवर्सरी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। साथ ही में दोस्तों क्रिमिनल बंडल की सीरीज के बंडल भी अगेन से रिटर्न आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों और भी काफी सारे कंफर्म अपडेट्स जो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में दूंगा, तो उनके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को भी ना ऑल पे सेट करके रखना। तो होप आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सभी अपडेट्स पसंद आएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।